हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको पूरे इस इंडेक्स के बारे में बताएंगे और कौन कौन से स्टॉक्स की वैल्यूएशन को और उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, हम ये भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए हम बात करते हैं क्या है ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। आप सभी को पता है कैशलेस ट्रांजेक्शन्स यानी UPI ट्रांजेक्शन्स, वॉलेट ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसका काफ़ी यूजेज बढ़ चुका है और इसमें बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। तो इतने बड़े सेक्टर को यहाँ पे जज करने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए RBI ने कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स बनाया जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इस कैशलेस ट्रांजेक्शन्स की ग्रोथ को यहाँ पे मेजर करेगा। आइए हम बात कर लेते हैं कि ये इसके क्या क्या फिगर्स है और ये अभी कितने पॉइंट्स का इंडेक्स है। मार्च 2018 जो कि बेस ईयर लिया गया है उसका, यहाँ पे जब ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का यहाँ पे 100 पॉइंट्स था, वहीं पे मार्च 2019 में 153 पॉइंट्स का ये इंडेक्स था और अभी मार्च 2020 में 207.84 के करीब ये इंडेक्स है। अब आप जानना चाहेंगे कि इस इंडेक्स को कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड अफेक्ट करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कंज्यूमर सेंट्रिसिटी जिसका वेटेज 5% रखा गया है, पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड 15%, वहीं पर डिमांड साइड 10%, वहीं पर पेमेंट अनेबलर्स 25% है। अब आप जानना चाहेंगे कि इन सारे फैक्टर्स का मतलब क्या है, तो आइए हम वो भी जान लेते हैं। पेमेंट अनेबलर्स इंक्लूड मल्टीपल चैनल्स थ्रू विच डिजिटल पेमेंट्स कैन बी एक्सेस, दिस इंक्लूड्स इंटरनेट, मोबाइल, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट्स, मर्चेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स। वहीं पे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स ऑल द पेमेंट मेथड्स यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, POS टर्मिनल्स, ATM मशीन्स, QR कोड, UPI एंड वॉलेट ट्रांजेक्शन्स। पेमेंट परफॉर्मेंस इंक्लूड फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, कितने यूजर्स हैं, कितने पेपर क्लियरिंग है, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड कैश विड्रॉल्स। वहीं पे कंज्यूमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर सेंट्रिसिटी आप अगर जिसे बोले, तो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा उसकी कस्टमर की एजुकेशन, अवेयरनेस, फ्रॉड्स, कंप्लेंट्स, डिक्लाइंस एंड सिस्टम डाउन टाइम। तो कंज्यूमर सेंट्रिसिटी में बेसिकली जो भी कंज्यूमर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उसे यहाँ पे कंज्यूमर सेंट्रिसिटी में इंक्लूड किया गया है। आइए हम बात कर लेते हैं ये इंडेक्स किन किन लोगों के लिए काम का है। जो भी बैंक्स की परफॉर्मेंस होती है यानी बैंक्स की जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव है उस परफॉर्मेंस को यहाँ पे इस इंडेक्स से मेजर किया जा सकता है। वहीं पे जो बड़ी बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, जैसा कि अभी इंडिया में एक ही लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है SBI कार्ड, उस क्रेडिट कार्ड कंपनी की परफॉर्मेंस को भी आप जज कर सकते हैं, उनकी बिजनेस ग्रोथ को भी यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। और उसी के अलावा जितने भी बड़ी बड़ी फिनटेक स्टार्टअप कंपनीज हैं या डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप्स हैं जैसा फ़ोनपे, पेटीएम, रेजरपे और फ्रीचार्ज जैसी कंपनीज को यहाँ पे वैल्यूएशन और उसकी परफॉर्मेंस जज करने के लिए ये इंडेक्स काम में आएगा। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।